तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुकिंग करेंगे और उसके पीछे और एक टेबल है और टेबल के नीचे सॉकेट्स हैं। अकेले जा रहे और ये हमारा दूसरा कैंपिंग है। इतना अच्छा सीनरी है यहाँ पे, पानी के पास मस्त देखने वाला सीनरी है। इधर एक्सप्रेस हाईवे तो एक्सपीरियंस करने मिला, मुझे पता नहीं था कि इस रूट से जाना पड़ता है हमको, तो इंसिडेंटली विदाउट नोइंग हमको ये रास्ता वैसे ही मिल गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज बिग लेक कैंप। मैं, सुमन, हम दोनों करेंगे कैंपिंग। आज है सैटरडे, टाइम है 9:45 और जहाँ पे हम जा रहे हैं वो है कम से कम 115 किलोमीटर दूरी पे और लगेगा 3 घंटे का रास्ता यहाँ से, हमारे घर से। तो दोस्तों, हमारे साथ अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारे बच्चे नहीं है, क्योंकि तीनों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगले हफ्तों से, तो पढ़ाई चल रही है और हम नहीं चाहते थे कि उनके पढ़ाई के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो। और बच्चे भी बहुत समझदार है कि वो लोग खुद मना किए कि आप लोग जाइए और हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो यू नो गैप देते, दो दो तीन तीन दिन का गैप है, तो हॉलीडेज है बीच में उनको पढ़ाई के लिए। और आप अगर देख सकते हो तो हम अपने पूरे यू नो आइटम्स पूरे पैक किए हुए हैं और हम कुकिंग करने वाले हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, कैंप फायर, काफ़ी सारे प्लान्स हैं हमारे। तो जगह कैसे है वो तो वहाँ पे जाके ही पता चलेगा, तो एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड पहली बार हम दोनों अकेले जा रहे और ये हमारा दूसरा कैंपिंग है। पहले वाला तो आपने देखा होगा कि बन्नरगट्टा के लोकेशन पे हम फैमिली के साथ कैंप किए। इस बार हम दोनों का कैंपिंग नहीं, कपल कैंपिंग होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ही देर में। ये रास्ता देखिए फ्रेंड्स, कितना नैरो सा है और लेफ्ट साइड में आप देख सकती हो कि लंबे लंबे पेड़, एकदम ऐसे फील आ रहा है कि यू नो कहीं पहाड़ियों पे जा रहे हैं। वैसे ये जगह छोटा सा बाईपास है जहाँ पे हम जा रहे हैं उस लोकेशन को कनेक्ट करते हुए, तो बस कुछ ही देर में हम जाके शायद मेन रोड पहुँचेंगे। वैसे 2.5 आवर्स की जर्नी है फ्रेंड्स अभी भी, तो सफ़र तो बहुत लंबा है, लेकिन ये देखिए कैसे कितना बड़ा सा स्लोप है यहाँ पे। अभी भी 1.5 घंटे की दूरी, 120 मिनट्स के दूरी पे है और रोड एकदम ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। इस तरफ 3 लेन, उस तरफ 3 लेन, टोटल 6 लेन्स रोड, और ये मैसूर रूट दिख रहा है मुझे। तो अभी भी हम ऑन द वे है एंड एज स्केड्यूल के हिसाब से 12:30 बजे अपने लोकेशन पे पहुँचेंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो नया मैसूर रोड है वही है क्या, अभी भी कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन लग तो रहा है कि मैसूर रोड है, पता नहीं कौन सा वाला, लेकिन 3+3 6 लेन्स वाला रूट है। तो
एकदम ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिला हमको। मेरा जो शक था वो सही निकला, ये मैसूर रूट ही है, 3+3=6 प्लस सर्विस रोड 8 लेन है, ज़बरदस्त रूट है फ्रेंड्स। और जो जगह हम जा रहे हैं, जो बैक लेक कैंप है, वो भी ऑन द वे है रूट। तो यू नो रूट को, रोड को बहुत ही अच्छा बनाया गया है मैसूर एक्सप्रेस हाईवे, तो एक्सपीरियंस करने मिला। मुझे पता नहीं था कि इस रूट से जाना पड़ता है हमको, तो इंसिडेंटली विदाउट नोइंग हमको ये रास्ता वैसे ही मिल गया है। देख सकते हो आगे का रूट क्या हाईवे है, पूरे व्हीकल्स हाई स्पीड में जा रही है, तो बहुत दिनों के बाद यू नो गाड़ी भगाने का चांस मिल रहा है। नॉर्मली मैं भी भगाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करते जा रहे हैं रूट। इतना अच्छा सीनरी है यहाँ पे पानी के पास, मस्त देखने वाला सीनरी है इधर ऐसा। अच्छा पास में गांव है और गाड़ी हमने यहाँ पे रोका है, आप देख सकते हो। तो चलिए हम निकलते हैं अपने जगह पे। हाँ बोलिए, थोड़ा कार इस तरफ लेके इधर डाल देंगे, यहाँ पे आप लोग टेंट डालेंगे, ठीक है, है ना? हाँ। मैं बता दूंगा। ओके ओके, एक सेकंड। हाँ। सीधा इस तरफ भी डाल सकते हैं, डाल दो ऐसे गाड़ी। हाँ। यहाँ पे डाल दो। हाँ। और पीछे। हाँ, थोड़ा पीछे कर दो। बस बस काफी है सर। ओके ओके, इतना आपके लिए बाहर से। तो गाइज़ हम आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे फाइनली। आप देख सकते हो कि हम आए इस तरफ से और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं अपने पेट को लेके। हमने कार यहाँ पे पार्क किया है दोस्तों, एंड यू कैन सी दिस इज़ द सराउंडिंग एरिया। सो सुमन इज़ देयर, एंड हम जो कुकिंग है आप देख सकते हो, वो गेट है, शायद बिग लेक को जाता होगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुकिंग करेंगे और उसके पीछे और एक टेबल है और टेबल के नीचे सॉकेट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है लैपटॉप के लिए। और सुमन और हम यहाँ पे हैं, तो गाइस वी आर गोइंग टू हैव फन, बाय। We'll be right back.